हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वाउ के सनस्क्रीन लोशन का रिव्यू शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्यूटी हट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो ये है वाउ वेरी हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवीए प्लस यूवीबी प्रोटेक्शन सनस्क्रीन। ये मैट फिनिश SPF 55 है। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। इसमें पैराबिन नहीं है, सिलिकॉन और मिनरल ऑयल नहीं है। ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। बात करें इसकी पैकेजिंग की तो ये डार्क ब्राउन कलर की प्लास्टिक की बॉटल है और ये पम्प फॉर्म में है। बात करें इसके की इंग्रेडिएंट्स की तो इसमें रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड, एवोकेडो ऑयल और विटामिन ई है। रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है। ये नेचुरल सन ब्लॉकर्स के साथ स्किन के फोटो डैमेज को रोकने में मदद करता है। कैरेट सीड में विटामिन ए और ई होता है जो एजिंग को कम करता है। एवोकाडो ऑयल ये स्किन की टैनिंग को रोकता है और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसका नेट वेट 100 ml, MRP है 499 rupees और इसकी शेल्फ लाइफ 2 years है। तो ये सनस्क्रीन आपको सन की UVA और UVB रेस से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आप बाहर जाते हैं और आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा टाइम का है तो आप SPF 55 का यूज़ करें। अदरवाइज आप घर पर हैं तो आप SPF 35 या 45 का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आपका सन एक्सपोजर जितना है आप उसी के हिसाब से डिफरेंट सनस्क्रीन को यूज़ करें। वाउ सनस्क्रीन की काफ़ी रेंज मार्केट में अवेलेबल है, तो आप अपने सन एक्सपोजर के हिसाब से अपना सनस्क्रीन यूज़ करें। इस सनस्क्रीन को ऑल स्किन टाइप्स यानी ऑयली, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन और ड्राई सभी स्किन के यूज़ कर सकते हैं। ये सनस्क्रीन आपको डिहाइड्रेशन, रिंकल्स और ब्राउन स्पॉट से भी बचाता है। कंपनी ने यहाँ इस पंप को लॉक करने के लिए एक कवर सा दे रखा है, जब ये लगा होता है तो पंप नहीं चलता। अब मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर काफ़ी थिक है। इस सनस्क्रीन को यूज़ करते हुए मुझे 1.5 से 2 महीने हो गए हैं। जब स्टार्टिंग में मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया तब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही थी, तो जब इसे फेस पर लगाकर एब्जॉर्ब करा तो ये मैल की तरह निकलने लगता था। तो स्टार्टिंग में तो ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, पर जब इसे डेली यूज़ करने लगी तो ये ठीक लगने लगा। पर जब हम इसे लगाते हैं तो फेस पर एकदम से फेयर सा लगने लगता है, जैसे हमने कोई फेयरनेस क्रीम लगा ली हो, लेकिन थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है। हमें सनस्क्रीन को बाहर जाने से 15 से 20 मिनट पहले लगा लेना चाहिए। तो आप जब भी सनस्क्रीन परचेज करें तो ये ज़रूर चेक करें कि उस पर UVA और UVB प्रोटेक्शन लिखा है या नहीं। तो मुझे ये सनस्क्रीन काफ़ी अच्छा लगा और ना ही इसका कोई मुझे साइड इफ़ेक्ट दिखा। अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियोज़ के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Better Sunday, better Sunday, better Sunday.